अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामा हेठ चुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। शुपियन किस जानपुर इलाकस मंज आज सुबह तमि सात खल बल सपजमत ये अत नौजवान गोलियन हुंद निशान बनावन आव। वन से बाबरपुर जानपुर शुपियन मंज आज सुबह इलाकस मंज कायम सीआरपीएफ कैंपस नजदीक अनंत नाग रोजन वोल शाहिद एजाज नावक नौजवान गोलियन हुंद निशान बनित जाँ बहाक सपुदमुत यम किन इलाकस मंज लूक दम फट सपद यल जन पुलिस तरफ अत वाकस हवाल प्रेस बयान मज व आव ज मिलिटेंटो तरफ चु सीआरपीएफ कैंपस पे हमल करना आमुत या दौरान सीआरपीएफ एहलकारो तरफ जवाबी कार्रवाई अमल मज अन्ना आई तो जवाबी कार्रवाई दौरान अनंत नाग रोजन वोल नौजवान जाँ बहाक सपदमुत। यपर ये खबर शाहिद एजाज सिंदिस इलाकस वह तुम दुई छत फैलम ये जन अंद पक रोजन वे लूक शाहिद एजाज गर वह दौरान तमो अहल खानस सजियत तो यकजती हूँ इजहार कोर ये जन अत मौक पे मुकामी लूको तरफ वन आव शाहिद अकिस गरीब अयालस सलुक थवान तो तिंद मरन खबर वात मुकामी लूक दम फट सपदम ये जन मुकामी लूको पुलिस बयान मुस्तरद करान वन आव अमे मामल ग साफ शफाफ तहकीकत कर युद्ध जन लवकिन इंसाफ फराहम कर। रुदन दिस तार घर इन आज बिचार मगर आज गो अमिस गरीब मालिस गरीब माज सगह गर कस मालिस माज सर कस मालिस माज स मगर महज खुद खुद सो इंसाफ सो यूत जुलम सो सो शुर खुद तैयार गमित अमि जुलम खुद तैयार गमित आज कोरुक अमिस मालिस माज सगह कर मालिस माज स आज वह पगह कम। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये जम्मू कशीर हिंदिस दौरस पे रात श्रीनगर वे तत् आज अमित शाह जम्मिक दौर कर्मुत यह दौरान तम जम एयरपोर्टस पे वालहन इस्तबाल कर आव अत मौक पे ये जम एयरपोर्टस पे इंतजामिक बल पाए अफसर मौजूद तथे भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर देवेंदर राणा तो रविंदर राणा अलव दोयम लीडर त मौजूद। अमित शाह ये जम वातनस पे कैयान तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तु तमो भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनद अवमी जलस खिताब कोर्मुत यह दौरान अमित शाहन तकरीब मज मौजूद लूकन खिताब करान वोन ज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हवाल निन आमत फैसल पे कैया कदम तुलना आमुत युत जन जम्मू कशीर हिंद तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी ये जन तमो वोन ज खसूसी दर्ज खत्म कर पे जम सोबच आवाज मजीद मजबूत करनस हवाल त संजीद कदम तुलना आमुत। भारत माता की, क्यों भाई जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे धारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं, ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज एक पवित्र दिन है पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन, और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना कर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे का नारा दिया। और आज उसी दिन पर आज हम सब लोग यहां एकत्रित आए हैं, जहां पर भी प्रेमनाथ जी की आत्मा होगी, श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद। तो
मित्रों आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा, दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे, किसी को अन्याय नहीं होगा। कल ये तीन परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे, पूछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके तीन परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांग। ये मेरे पहाड़ वाले हैं, बैठे हैं पहाड़ी भाई यहां पर, उनके यहां से चुनाव कभी ये नहीं जीतते थे। अरे मैं आपको कहने आया हूं, आपके यहां से चुनाव जीतने वाला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, अब कोई नहीं हो सकता। मैं जम्मू वाले को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने विकास की प्रक्रिया चालू की है, जम्मू वाले चट्टान की तरह इसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं बताइए जोर से, जो और जोर से बताइए, खड़े हैं या नहीं खड़े। मित्रों जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार रिपीट करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा, ये मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास। मैं सभी का जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आज गगन भेदी नारा लगना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए कि कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी लोग, कश्मीर के विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यपर जम्मू कश्मीर हिंद एल जी मनोज सिन्हान अत मौक पे लूकन खताब करान वोनमुत जम्मू कश्मीर में रोजन वाल लूकन हिंद माल जान हिफाजत च इंतजामी जिम्मेदारी तो अत मजीन कह कोताही वर्तन। जानता हूं कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लग रही है और वो नापाक कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं भावनाओं को भड़का करके यहाँ हिंसा बहाने। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें मालूम नहीं है कि सरकार दिल्ली में किसकी है, भारत का गृह मंत्री कौन है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार शांति खरीदने में विश्वास नहीं करती है, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, कल जिस तरह से सम्माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक में जिस तरह से बातें कही हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यहां के 125 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत करना ये इस प्रशासन का प्राथमिक दायित्व तो है। और खासतौर से जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं समझता हूं किसी भी प्रशासन का राष्ट्रीय कर्तव्य मैं मानता हूं कि इन लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आदरणीय गृह मंत्री जी का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय भारत। यपर अत मौक पे मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंहन वोनमुत वरी 2019 में अमित शाह जम्मू कश्मीर हवाल तारीखी फैसले नमुत यम स जम्मू कश्मीर हिंस तामीर तरक्की हिंस वत हमवार सपज। विशाल जन समूह, मौसम नसाज है, बरखा कुसले भी लगी सकती है, भी भी ये बलदे बलदे दे बैठे दे बलगार दे ने, दूरा दूरा आए दे ने, इंदे च बुजुर्ग भी हैं, याने बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, ते इन्ना सबर करिए की बलगार दे। ये बलगार दे इस वास्ते कि ये अभिलाषी न अमित शाह जी दे दर्शने दे, ये मुरीद न अमित शाह दे, ये मुरीद न, ते हुण भी की नहीं, हुण भी की नहीं,
इतिहासकार आखते हैं सन 1947 जे हिंदुस्तान के गृह मंत्री सरदार पटेल नहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर का इतिहास किश होर हों, जम्मू कश्मीर का नक्शा किश होर हों। सरदार पटेल है जिन्हें पंडित नेहरू की मर्जी के खिलाफ कर्नल मानिक शाह की हुक्म दिता, जिन्हें बाद फील्ड मार्शल मानिक शाह बने के करनैल साहब अपनी फौजा भेजो कश्मीर ते पाकिस्तान के कबालियों को कश्मीर की बचाओ, जम्मू कश्मीर की बचाओ। तो वो परंत हमले वारे पछाड़िया गया तो जम्मू कश्मीर सरदार साहब ने हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाया। 70 बरे गुजरी है दोस्तों, 70 बरे इस इंतजार पे कोई होर महापुरुष धरती उपर उतर है तो सरदार साहब का छोड़े का अधूरा काम पूरा करे। तो जम्मू कश्मीर कई बरे का इंतजार करता रहा भी दिल्ली के नॉर्थ ब्लाक है जोड़ा होम मिनिस्ट्री का कार्यालय है जिस कुर्सी उपर सरदार पटेल बौद्धे है उत्थे कोई ऐसा महानुभाव आइए बवे भी जोड़ा काम उन्हें शुरू किया हो सर अंजाम हो। असर सारे देखिया, तुसा भी देखिया 5 ते 6 अगस्त 2019 की गृहमंत्री के रूप में अमित शाह जी ने जिस चाली नवा विधेयक लिया संसद तो कई बरे थों चला रही एक संवैधानिक त्रुटि का निवारण किया, कई बरे थों चला रही एक मानवीय ना इंसाफी का प्राश्चित किया, कई बरे थों चले आ रहे एक इतिहासिक विडंबना का प्राश्चित किया। तो जम्मू कश्मीर की एक नई नवी दिशा दी, एक नवी दशा दी, एक नवी व्यवस्था दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सजाद गनी लोनन वोनमुत वादी मज रोजन वलिस प्रेत अकिस सियासतदान पजे कद वित मरकजी सरकार मुतालब कर। यार आप मेरी बात सुनो, हमने स्टेटहुड हो या स्पेशल स्टेटस हो इसकी बात हमने दिल्ली से करनी है, राइट, दिल्ली से ही लेना है, हिंदुस्तान के लोगों से लेना है। मुझे पूरा यकीन है 10 दिन आगे हो 10 दिन पीछे हो, लेकिन स्टेटहुड हो या बाकी जो हमारे मामला हैं, अब जैसे 370 है, 35A है, स्टेटहुड है, इन सब चीजों में बाज़ाब्ता ऐसे उसने कब बोला, एक महीना बाद, एक महीना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो मेरी आप बात सुनो, बिल्कुल आपने सही बोला, NSA करता है, उसका काम है, उसका काम है कि किससे बात करनी है, चाइना से बात करनी, मेरा काम नहीं है। ये प्रॉब्लम है, हमारी स्टेट भी ले गए, हम UT हैं, लेकिन अभी हमें नहीं समझ आ रही है कि हमें अपने कद के हिसाब से बात करनी है। मुझे पहले स्टेट लाने दो, बाकी चीजों पर बात करने दो, बाद में बड़ी बातें करेंगे, अभी हम उतनी ही बात करें जो हमारे साइज के हिसाब से हो। NSA का काम है बात करना, फॉरेन मिनिस्टर का काम है ये बात करना। मुझे बताओ अगर हर एक स्टेट वाला, हर स्टेट का आदमी बात करेगा नहीं चाइना से बात करो, दूसरा बोलेगा नहीं अफगानिस्तान से, तीसरा बोलेगा बर्मा से बात करो, तो कहां चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जमान इमरान नबी डारन च अमित शाह सिंदिस बयानस हवाल कात करान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर मज ओस न कात खानदानी राज बल्कि ओस लोको तरफ इंतखाबन मज हिस्से नियत सरकार बनावने यवान। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूं कि इनको ये रेटरिक छोड़ देना चाहिए। अब या तो आप बोलिए कि वो सारे इलेक्शंस गलत थे जो 77 से लेकर अभी तक हुआ है, तो आप क्यों ये बोल रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हुकूमत की है, पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल हुकूमत नहीं की है, मोस्टली जो मेरे पास कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 23 साल हुकूमत की है, उसमें बहुत साल ये भी है जहां पर हमने इन अलायंस हुकूमत की है। और दूसरी ये बात भी है कि कोई खुद नहीं बनता है, ये खानदानी राज नहीं है, ये डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेटिक लॉज के तहत इलेक्शन कमीशन ने जिसको ऑथेंटिकेट किया। या तो आप बोलिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस गलत थे, या तो सब इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने उस पे अपनी स्टैंप लगाई है, उन इलेक्शंस पे स्टैंप लगाई, या तो आप वो बोलिए कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस गलत है। तो ये आप लोगों को जो अक्रॉस कंट्री आप बोलना चाहते हैं खानदानी राज, खानदानी राज, आज आप क्या कर रहे हैं बाकी जगहों पर? अगर आप बोल रहे हैं यहां पर खानदानी राज है, तो बॉम्बे में खानदानी राज नहीं है मुंडे साहब की बेटी, या अक्रॉस हिंदुस्तान कितने लोगों को आपने खानदानी राज में आप एडजस्ट कर रहे हैं? यूपी में आपके अपने जो कैबिनेट में इस टाइम पे मिनिस्टर, उनके सारे बच्चे इस टाइम पे MLA हैं। तो मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि यहां पर उमर साहब अगर चीफ मिनिस्टर बने या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, वो बने इस वजह से चीफ मिनिस्टर क्योंकि लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अगर हमारा कोई
जो वर्कर किसी पोस्ट पे आ जाता है या एमएलए बनता है, या परसों डीडीसी की बात करेंगे, तो वो हम खुद ही नहीं बने, जबकि उनने बोला था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट हो गई है। आपने खुद देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी उभर के आई, और जबकि जम्मू में हमको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, खासकर जम्मू डिवीजन में जो बार बार बोला जाता है जम्मू 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 जम्मू, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां अपनी कारकर्दगी कैसे दिखाई वो आपको भी पता है। 3 डीडीसी चेयरमैन इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू डिवीजन में है। तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है अक्रॉस कंट्री, अफसोस से कहना पड़ रहा है ये नैरेटिव, इसमें लोग अनफॉर्चुनेटली इसको सच समझ रहे, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर उमर साहब या डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो इस वजह से बने हैं क्योंकि उनको लोगों का सपोर्ट था और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। किश्तवाड़ कोकरनाग वतपेट ये रात शीन पेन सफर जाम बाग सपद तत् अपनी पार्टी लीडर अब्दुल रहीम रथन सरकार मांग कर टनल तमीर करनस हवाले ग संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन ब्रो कथ वाक पेश इन जाने तलफ हो गई है, और मैं इसके लिए जो किश्तवाड़ की इंतजामिया है उनको ख्याल रखना चाहिए था लोगों की के आने जाने में, क्योंकि प्रेडिक्शन पहले हुई थी मौसम की, बिल्कुल एहतमाल था कि बर्फबारी हो जाएगी, नहीं निकलने देना चाहिए था इनको। लेकिन साथ ही जो यहाँ एसडीएम को करनाग और तहसीलदार साहिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस और डीएसपी कुकरनाग जो उन्होंने एक्शन लिया और बड़ा रिस्क लेके वो चले गए और मशीनरी और मैन को साथ लेके डेड बॉडीज को वहाँ से रिकवर किया और दो जानों को जिंदा इंसानों को वहाँ से लेके आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। अफसोस है जो दो जाने गई उसका बहुत दुख है, लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये वाकत तब तक होते रहेंगे जब तक ना हम ये वायु सिंकोरा टनल जो है ये मुकम्मल हो जाती है। मुझे इस बात पर भी बहुत अफसोस है कि आज से 5 साल पहले इसका अप्रूवल हो चुका है और इसका डीपीआर भी बन चुका है, लेकिन काम नहीं, 4 साल से काम नहीं लग रहा है। वादी मज ताज शीन पेन सेवबागन सठी नुकसान सपुद तत् डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमदन आज जिले कुलगाम कन कहान इलाकन हुन दौरे कोरमुत यत दौरान तिमन हमरा महकमिक माहिर तो दोयम अफसर ते मौजूद ऐस दौरस दौरान यत तिमो शिन सूत पद सपदमित सूरत आलुक जायजे हो तत् कयाव बागवालो तरफ तिमन सूत मुलाकात कोरमुत यत दौरान तिमो डायरेक्टर मौसूफस सपदमित नुकसान हवाले जान फराम कर यल जन एजाज अहमदन अत मौक पे वोन महकम तरफ चु नुकसान तखमीम करने बापत संजीद कदम तुलने आमुत युत जन मुतासर बागवाल वक्त पे इमदाद फराम कर। कुलगाम के जो हेरिटेज हैं, आज इधर हूँ मैं खुल कुलगाम में, तो यहाँ पर भारी नुकसान है। कल मैं शोपियान में भी था तो उधर भी भारी नुकसान है, खासकर हुरपुर और केलर साइड में। इसी तरह यहाँ बहुत सारे इलाके हैं, अभी मैं विजिट कर ही रहा हूँ, मुझे जो रिपोर्ट उस बाकी इलाकों से भी है वो भी मुझे लगता है 30-35% से ऊपर नुकसान है। इसको हम जरूर नेचुरल क्लाइमेटिक के लिए रिकमेंड करेंगे सरकार से, और सरकार की ही इंस्ट्रक्शंस है जो ऑनरेबल एडवाइजर साहब है फारूक खान साहब और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब है, उनकी तरफ से ही हिदायत है मुझे कि मेरा फील्ड अमला मैं खुद बागों में जाऊं और एसेस करूं। तो हम खुद एसेस कर रहे हैं, आपने देखा कि हम खुद एसेस कर रहे हैं। हम जायजा दे, कहीं फ्रूट का भी नुकसान है, एप्पल गिरे हैं नीचे उनका भी नुकसान है, उसका भी हम जायजा ले रहे हैं, और हम अपनी सरकार को जरूरी रिपोर्ट भेज देंगे कि हमारे कितना हार्वेस्ट नहीं अभी करना बाकी था और कितना फ्रूट जो फॉलन है उसमें कितना डैमेज है और डैमेज कितना है, जो शाखें टूटी हैं, जो अपरूट हुई, यहाँ ज्यादा अपरूट हुए हैं दरख्त, तो वो भी हम जरूर बना देंगे और सरकार को भेज भी देंगे और रिकमेंडेशन भी कर। आप अगर केसीसी लोन की बात कर रहे हैं, हम जरूर रिकमेंड करेंगे या तो इफेक्टेड एरियाज में उसको माफ किया जाए या उसको 3 साल के लिए वो रिकवरी बढ़ा दी जाए वो पीरियड। वादी कशीर में यति मौसमी तब्दीली दौरान मेवस तो मेवबागन सठी नुकसान सपुद तत् सबक वजीर अब्दुल गफार सूफियन सरकार मांग कर जि मुतासर बागवाल इमदाद फराहम कर बुथिन वल मुश्किल दूर कर। जम्मू कश्मीर में बेवक्त बर्फबारी और बारिश हुई, उससे बिलखसूस कश्मीर वादी में मेवा बागात को काफ़ी नुकसान हुआ है, और जो दरख्त थे सेब के दरख्त थे मेवा के दरख्त थे वो भी टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं। लिहाजा हमारी सरकार से एलजी इंतजामिया से गुजारिश होगी कि वो
इस चीज का सर्वे करे कि माल की बागान को कितना नुकसान हुआ और उनको बर वक्त अंदाजा लगाकर उनकी मदद करे, उनकी भरपाई करे। ये हमारी सरकार से गुजारिश होगी, क्योंकि यही एक बैकबोन है हमारी इकॉनमी की। यहाँ इस वक्त 60-70% लोग बागात पे गुजारा करते हैं और आज बेवक्त बर्फबारी की वजह से उनको काफ़ी नुकसान का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए फिर एक बार हम सरकार से, इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि उनकी मदद करें। जहाँ तक आप नुकसान का देखेंगे, आप देखेंगे शुपियां ज़िला है, पुलवामा ज़िला है, कुलगाम का ज़िला है, जिसमें खासकर नूराबाद है, कुलगाम है, दिवसर इलाका है, और आप हमशाली बुक देखेंगे बालाई इलाका, और यहाँ अगर आप देखेंगे अनंतनाग के ज़िला में डूरू शाहबाद बालाई इलाका, कुकरनाग का बालाई इलाका, पहलगाम शांगस का बालाई इलाका, और दशनीपोरा का जो बालाई इलाका है, त्राल का जो बालाई इलाका है, काफ़ी नुकसान हुआ है। लिहाजा सरकार के पास मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स भी होंगे, लेकिन उनको अपने अमले को मुतहरिक करके ये इस नुकसान का अंदाज़ा लगाना चाहिए और हुकूमत को अमली इकदाम करके इनकी भरपाई करनी चाहिए। घाटमल पटनिको लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे इलाकस मज मोबाइल नेटवर्किंग न आने किन लूकन कैया मुश्किल वेतन पेवान तमि हवाल कैया फिर इंतजामिया जान फ्राहम करना आई ताहम चुन कहां कदम तुलना आमुत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज गि मोबाइल टावर नसब करने बापत कदम तुलने यन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन तकरीबन वो वरी वो टावर योन अच्छा प्रॉब्लम गाँव बचा हद खुद मैं तकरीबन से ओड किलोमीटर ये मोबाइल पे ऑनलाइन पर्ने खुद ये और कहीं कह इंतजाम सान खुद पलहल घाटस यह वनस अकवीम सदी चलान ये कि जन गवर्नमेंट वनस हर जाए वातान हर गामन मज वातान नेशनल हाईवे पे चोर किलोमीटर योर ये जन नाव घाट पलहल अच्छा ये कुछ किस्म कह सिग्नल मोबाइल नगर के लोगों तरफ से शिकायत बवान वन आमुत यदवे कैयान इलाकन हूं ड्रेनेज सिस्टम इलाकस कुन अन आव ताहम चुन अमच सफाई हवाल कह कदम तुलना आमुत यमक सड़क जेराब जिन आम लूकन हूं फेरन थोरन मुश्किल सपुद मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करनस तो सफाई हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन बडशानगर नटीपोरा पे वन मे बसान पूरा लाल चौक वन बसान ये कालनी मन मेन लाल चौक सह ये कालनी मज आमुत बसने अस गई ये ताजी वरी बसान मगर वन ड्रेन हूँ मसल गुत यो नायक बाग पे ड्रेन यो छानपर पे ड्रेन यो आजाद बस्ती पे ड्रेन ड्रेन त्रायक यपरी मगर बुथि ना पंप चलान अत ड्रेनेज बुथि क्लियर ताकि यह खसे ना आब खसे ना तेल कि ना बुत ड्रेन यमो बन मगर बुथि सफाई कुछ गसान वजह गो मामूली रूद कतर से दोन घंटन त्रेन घंटन पे सरस आब खसान पकन बनान यपर से लेन नंबर सत्त अजन आजाद बस्ती कि लेन नंबर सत्त स्टेडियम कॉलनी लेन नंबर सत्त अपर मकान जन 30-30 वरी मकान ब्रोह बनेम तिमन तो आब वन सदान क्या ड्रेन ओवर फ्लो ड्रेन से ओवर फ्लो तुम अमिक ओवर फ्लो बुत सफाई गात सपद वाक आवती पोर पे बिचार बुजर्ग बुजर्ग कोर निश आव और सू फुट अकिस ड्रेन मन मेन होल तथा मेन होलस यमो थ डेंजर मार्क त लगित ताकि यह डेंजर मार्क करे प्रो ये से ड्रेन यल मगर सह लगित कि और सो नफर सदो तथ सो तथ हलाक सो मूद तो नफर यमें कनेक्शन दिवन अ लक्ष्य ड्रेन कनेक्शन दिन बड़ी ड्रेन सीम तकान दिन गो नाजरीन अत खबरनामान दीव इजाजत खुदा सवाल।